अरे मम्मी ये क्या, इसको तो बड़ी गर्मी लग रही बुआ, लगता है ऐसी चालू करनी पड़ेगी। अरे ये क्या बुआ, ये तो नीचे गिर गया क्या? क्या भाई ये क्या बात है यार, मजा आ गया। आओ अभी देखना भैया ये ऐसी चालू करेगा। आओ भैया खेलने से क्या निकलेगा, तो इंटरनेट की बात वाली हो गई। हाँ भैया मजा आ गया यार। ए भैया आज हम खेलेंगे स्केरी टीचर का न्यू अपडेट, जिसके अंदर भैया बहुत ही सारे न्यू लेवल आए यार। तो भैया चलो ना मिस्टी की बैंड बजाने चलते हैं यार। आओ, अरे क्या बात करो बुआ, इतने दिनों के बाद में मिस्टी की टिकट टिकी करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। हाँ तो तुमने बिल्कुल सही बोला यार, मगर भैया मिस्टी के मन में कुछ और खिचड़ी पक रही है यार। वो भैया हमारे साथ में कुछ करने वाली है यार। ओए मिन्ना क्या करने वाली है वो तो बता। ए भैया मुझे लगता है वो अप्रैल महीने के अंदर हमारा भैया अप्रैल फुल करने वाली होगी यार। और मिन्ना ऐसी बात है क्या, और तो इसका अप्रैल फुल हम ही निकालेंगे। अरे ये क्या बुआ, मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है, क्योंकि मिस्टी की बच्ची ने हमारे लिए बुआ इनविटेशन कार्ड भेजा है क्या? मुझे तो बुआ पूरी दाल ही काली लगती है क्या? बिल्कुल सही बोला भाई, मगर भैया ये कैसे हो सकता है यार, मिस्टी की बच्ची तो भैया हमारी दुश्मन है ना, वो भैया हमको इनविटेशन कार्ड भेजेगी यार। और मिन्ना वही तो सोचने वाली बात है, और आखिरकार मिस्टी की बच्ची ने हमें क्यों बुलाया? और मुझे लगता है मुन्ना वो हमारे साथ में बदला लेने वाली है। हाँ भैया कुछ तो कुछ उसने प्लानिंग की होगी यार हमको फंसाने के लिए, पर भैया हम भी उतने पागल नहीं है यार, हम भी भैया उसकी बैंड बजा देंगे। अरे बुआ उस लेटर के अंदर मैंने पढ़ा था कि मिस्टी की बच्ची हमको केक खिलाने वाली है क्यों, जिसके लिए हमको पार्टी में इन्वाइट किया बुआ। पर केक को तुम गलती से भी मत छूना, नहीं तो हमारी बैंड बज जाएगी। और लगता है बुआ उसको तुमने मारने की प्लानिंग बनाई होगी बुआ। उसकी तो प्लानिंग मैं फेल करूंगा यार। आई एम द डॉन, और डॉन से मंगा लेना, उसको कितना भारी पड़ सकता है उसको पता नहीं है यार। ओए हाय मिन्ना जल्दी से दरवाजा खोल। ओए ये क्या मिन्ना यहाँ पे तो बम है, और इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। ओए जल्दी से वाली वायर को काट। हाँ भैया वायर तो काट दी, और भैया ये बम डिस्ट्रॉय हो गए यार। और ये खोला मैंने तिजोरी, और भैया ये देखो ना मैंने यहाँ से ब्लू वाली चेरी को उठा लिया यार। ओए मिन्ना यहाँ पे करना क्या है वो तो बता। ए भैया अभी आप देखते जाओ यार, अभी तो डांस क्या करता है यार। अभी भैया उसकी लाठी और उसका सर भैया देखना, मैं उसकी केक भैया उसी के केक से रिप्लेस कर दूंगा। उसके बाद भैया हमारी केक के अंदर उसने कुछ भी मिलाया होगा ना, तो भैया आपको पता चल जाएगा यार। ये देखो मुझे यहाँ से व्हाइट वाली क्रीम मिल गई यार। अभी भैया मुझे यहाँ से रेड वाली भी क्रीम चाहिए यार। ये देखो भैया मुझे यहाँ से रेड वाली क्रीम भी मिल गई। और मिन्ना इसे तू उठा क्यों नहीं पा रहा? और मिन्ना इसको ले लेना, और हमें यहाँ पे पिंक वाली बनानी होगी। हाँ भैया ये देखो ना उसकी केक तो पिंक है यार। और भैया मैंने यहाँ से वो वाली चेरी को उठा लिया यार। और मिन्ना चेरी नहीं वो स्ट्रॉबेरी थी, और मिन्ना इसके केक को हमने रिप्लेस कर दिया। हाँ भैया, और भैया यहाँ पे मैं लाल क्रीम को डाला, और भैया मिलाई मैंने व्हाइट क्रीम। और ये देखो भैया बन गई हमारी पिंक वाली आइसक्रीम। और मिन्ना कमाल हो गया, धोती भर के कमाल हो गया। और भी जल्दी से मिन्ना और ऊपर वाले रूम में जाना होगा। हाँ भैया रुको तो सही है, और यहाँ पे कई मिस्टी की बच्चियों को देखना ले यार, नहीं तो सारा किया पानी पे फिर जाएगा यार। और जल्दी करना, और ये करना मिस्टी आ गई, और जल्दी से भागो। आओ अरे बोलो जल्दी से बाहर निकलो, वरना तेरी हो जाएगी ढक्कन टिकट का क्या। ए टेंशन मत लो, आओ टेंशन लेने का नहीं यार, टेंशन देने का हो अभी तुम देखते जाओ यार। मैं जाऊंगा सीधे उसके रूम के अंदर, और मिन्ना तो किचन है ना। हाँ भैया ये रहा किचन, और भैया किचन के अंदर से हम जाएंगे सीधे ऊपर वाले रूम में यार। और मिन्ना ऊपर वाले रूम में तो क्या करने वाला है? ओ ये क्या, तुझे तो यहाँ से एनर्जी ड्रिंक मिल गई, और पी ले मुन्ना पी ले। और तुझे और भी ज्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा, और ये काम बहुत ही बड़ा है। और ये क्या मिन्ना, और पीछे तो मिस्टी की बच्ची आ गई। अरे ये क्या बुआ, अब तुम कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे भागोगे बुआ? अभी तेरी तो बैंड बजाने आ गई तेरी मिस्टी की बच्ची, क्यों क्यों जल्दी से बुला यहाँ से चलंग लगा तो क्यों क्यों। ए भैया बाल बाल बच गए यार, मैं तो सीधा नीचे गिर गए यार। और मिन्ना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, और ये क्या मिन्ना लगता है हमारा पीछा करते करते और मिस्टी की बच्ची नीचे आने वाली है। हाँ भैया उससे पहले भैया हमारी आइसक्रीम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं यार, नहीं तो भैया मिस्टी की बच्ची आ गई ना तो बैंड बजाएगी यार। और यार मिन्ना और ये लगाई हमने चेरी, और मिन्ना जल्दी से स्क्रीन को और इसको पिंक में बदल दे मिन्ना। हाँ भैया पिंक वाली को मैंने ले लिए यार, और भैया हमारी वाली आइसक्रीम को रिप्लेस कर दिए यार। अभी ये वाली आइसक्रीम नीचे जाके भैया वहाँ पे रख देगी, ताकि भैया उसको शक ना हो यार। और यार मिन्ना तेरा दिमाग का तो दवा भी नहीं, और जल्दी से जा मिन्ना, नहीं तो मिस्टी की बच्ची और रेडी होके आ जाएगी। हाँ भैया
बल्ला भगत का काम। ऐ मुझे डराने की कोशिश मत करो भाऊ, मैं डरने वालों में से नहीं यार। मेरा काम तो हो चुका है भैया, अभी आप देखते जाओ यार। मिस्टी की बच्ची यहाँ पे आएगी और भैया उसके बाद में वो केक खाएगी ना, तो भैया वो तो मुझे भी नहीं पता यार उसके साथ में क्या होने वाला है यार। और मरना वही होगा और जो वो हमारे साथ में करना चाहती थी। अरे बुआ तुमने एकदम सही बोला, मगर ये मिस्टी की बच्ची इतने धीरे धीरे क्यों चल रही बुआ, उसको जल्दी जल्दी से यहाँ से भगाओ ना, वरना बुआ वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। टेंशन मत ले भाओ, उसको तो देखो ना यार, यहाँ से दिख रहा है भैया वो गई यार सीधा आइसक्रीम खाने के लिए यार, और ये टुकड़ा खाया यार। और भैया इसको तो कुछ भी नहीं हुआ यार। अरे बुआ ये क्या, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये क्या बुआ, ये किसका रिमोट, इसका क्या, और इसको क्या हो रहा बुआ, भैया इसको क्या होने लगा यार। और मैंने आप समझ में आया, और मेरी ये बच्ची को और इसके अंदर मैग्नेट मिलाया हुआ था वरना, और इसका मतलब और वो खुद ही चिपक गई वरना। ए भैया देखा ना यार, अभी तो डांट का कमा, और इसे बोलते भैया प्रो प्लेयर यार। और हाँ मुन्ना वाकई में ही मानना पड़ेगा, और तूने तो कमाल पे धमाल और धोती फट के रुमाल कर दिया। हाँ भैया वो सब तो होने वाला था यार, चलो भैया देखते हैं यार अब क्या होने वाला है यार। अरे ये क्या बुआ, ये ग्रांटो का बच्चा इतनी बड़ी चॉकलेट वो भी मिस्टी की तरह दिखने वाली कहाँ से लेके आ गया क्या? ए भैया मिस्टी का रिएक्शन तो देखो यार, ये क्या यार, लगता है उसने भैया इसके अंदर से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाली यार। ये तो भैया पिघलने लगी यार, और मन्ना चॉकलेट तो पिघलने लगी। ओ इसका मतलब उसको ठंडा रखने के लिए एसी ऑन करनी होगी। हाँ भैया ये एसी ऑन करेगी ना, इसके अंदर ही हम कुछ मिलावट करेंगे यार। और मन्ना मगर चॉकलेट को पिघलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और मन्ना इसका आइडिया तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। हाँ भैया मेरे पास आइडिया है यार, टेंशन मत लो, यहाँ से भैया कुछ ना कुछ सामान जरूर मिल जाएगी यार। ये देखो भैया मुझे यहाँ से ब्रांच मिली, और भैया यहाँ से उठाऊंगा वायर कटर यार। अरे बुआ जल्दी से एसी वाली पिन को भी उठाना होगा, क्योंकि इसके बिना बुआ हम इसकी एसी को खराब नहीं कर पाएंगे। क्या क्या मैं भी बुआ एसी का बड़ा मास्टर हूँ, इसीलिए बुआ मुझे सब पता है। क्या 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 बात है भैया, बाप को तो सब आता है यार। ओ ये क्या मुन्ना, मिस्टी की बच्ची तो एक्सरसाइज कर रही है, ओ इसको गोली मारो। ओ ये अच्छा मौका है चौका मारने का और छक्का मारने का। हाँ भैया ये मौका चौका मारने का यार। ये रही भैया एसी, यहाँ पे लगाए मैंने ब्रेंच, और भैया जल्दी से इसको तोड़ डालो यार, ताकि उसकी एसी खराब हो जाए। ओ ये मुन्ना, ओ ये ले तोड़ दिया। हाँ भैया क्या बात है, मजा आ गया यार। मिस्टी आ रही है भैया, जल्दी से भागो ना। और मुन्ना नहीं आ रही मिस्टी, टेंशन मत ले। और ये क्या, मुझे यहाँ से एनर्जी ड्रिंक मिल गई, और जल्दी से पी लेता हूँ ताकि मेरे अंदर ताकत आ जाए। और मगर ये क्या मुन्ना, मिस्टी की बच्ची यहाँ पे आ गई, और भागो मुन्ना भागो। हाँ भैया भाग तो रहे यार। ये क्या भैया, मुझे यहाँ से बाल्टी मिल गई यार, चलो जल्दी से बाल्टी को उठाओ और भैया सीढ़ी के ऊपर चढ़ो यार। ओ ये क्या मुन्ना, और मिस्टी तो यहाँ पे नहीं आ पाएंगी। हाँ भैया मिस्टी को जाने दो अंदर, और भैया उसके बाद में हम उसके पीछे पीछे जाएंगे यार। ओ यार मुन्ना मुझे लगता है मिस्टी की बच्ची चली गई। ओ यही है मौका मुन्ना, और वो तो ऊपर चली गई, और मैं यहाँ बाजू वाले दरवाजे से जाएंगे। ओ मुन्ना एसी तो मैं खराब कर दी, और मगर एसी में तो डालने कुछ सामान चाहिए मुन्ना। भैया मुझे पता है और सामान कहाँ से मिलेगी यार, मेरे पीछे आ जा भैया, हमें बाहर जाना होगा और भैया तकिया उठाना होगा यार। और मुन्ना तू तो पागल हो गया है, और ये तकिए से क्या करेगा, और मिस्टी की बैंड कैसे बजेगी इससे मुन्ना। भैया वो सब मुझ पे छोड़ो यार, मैं क्या करता भैया वो देखो यार। भैया चाकू से मुझे इसके अंदर जो बड़ का बाल है ना वो निकालना होगा यार, मगर भैया इस वाले के अंदर नहीं होगा यार, मुझे यार ग्रैंडपा के पास जाना होगा। ये देखो भैया ये सो रहा है ना, उसका तकिया भैया हमें एक्सचेंज कर लेंगे यार। और ये वाले तकिए के अंदर उनके छोटे छोटे बाल है ना भैया बढ़ के, वो भैया हमें चाकू की मदद से निकालना होगा यार। तो भैया यहाँ पे रखता होगा क्या, और भैया साड़ी में नहीं बट की बाल ले ली यार। ये बट की बाल भैया मैं सीधा लगाने वाला हूँ एसी के अंदर यार। और मुन्ना समझ गया समझ गया, उसके बाद में मिस्टी की बच्ची और एसी को ऑन करेगी ना। हाँ भैया मिस्टी की बच्ची नहीं करेंगी यार, ग्रैंडपा का बच्चा एसी ऑन करेगा ना, उसके बाद में भैया देख रहा हूँ क्या होता है यार। और मुन्ना फिर तो हिस्टेरिक बन जाएगी ना। अरे क्या बात है बुआ, मुझे मिस्टी की बच्ची को मुर्गे के वेश में देखना है बुआ, जल्दी से उसको भी मुर्गी बना दो बुआ, ताकि उसके ऊपर मैं हंस के पागली हो जाऊंगा। जल्दी से हंसना यार, तुम टेंशन मत लो, अभी जाएंगे यार। और अभी मिस्टी की बच्ची जल्दी
से पहुंचने वाली है। आओ देखो भैया, उसको गर्मी लगने लगी यार। और ना वो अभी ग्रैंडपा के पास में रहेगी। और ये जो है तो नीचे गिर गई। हाँ भैया, तो हालत खराब हो गई यार। और ये भैया, ग्रैंडपा के बच्चे ने इसी को ऑन कर दिया। और ये देखो भैया, बढ़ के बाद सीधे धके मिस्टी के ऊपर चिपक गए यार। अरे क्या बात है, तुमने तो मिस्टी को पूरा मुर्गा बना डाला और उसका पूरा उलिया ही बदल डाला बल्ला। मानना पड़ेगा तुमने तो आज कमाल ही कर दिया बल्ला। ए ये तो होना ही था बाप, क्योंकि ये तो हो गई था डॉन का कमाल है यार। ओए यार मुन्ना, और अभी आगे कौन सा कमाल होने वाला मैं भी देखता हूँ। ए भैया, अभी अभी मिस्टी को पता चला है यार कि उसके गार्डन में खजाना छुपा हुआ है यार। तो भैया वो ग्रैंडपा को पूरा यहाँ पे खुदाई काम करवा रही है यार। और मुन्ना यानी कि जेसीबी की खुदाई करने वाले यहाँ पे और सोना निकालने के लिए। हाँ भैया, मगर ये क्या मिस्टी की बच्ची तो एक खड्डे में गिर गई है। और पागल कही क्या, और वो अंदर गिरी थी, और वो तो अंदर इसीलिए उतरी थी और ताकि उसके अंदर वो क्रॉस वाला निशान लगा सके और उसके अंदर कोई गिरे ना मुन्ना। हाँ भैया, मगर ये क्या यार, ये तो पालतू कुत्ता भी है यार। भागो भैया, नहीं तो ये हमारी बैंड बजा देगा। और मुन्ना, ये पालतू कुत्ता और यहाँ मिस्टी के घर में क्या कर रहा है? ए भैया, मुझे लगता है मिस्टी की बच्ची ने उसकी घर की रखवाली और भैया सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इस कुत्ते को यहाँ पे रखा होगा यार। अरे मैं समझ गया, ताकि उस वाले रूम में कोई जाए ना और उसको सामान भी ना मिला और वो यहाँ से वापस ही चला जाएगा। क्या भैया, ये क्या यार, कुत्ते ने काट लिया यार। ओए मुन्ना, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है फंस गए। हाँ भैया, कुत्ते ने यार काटा यार। ओए मुन्ना, अभी तुझे तो सीधा हॉस्पिटल में लेके जाना होगा। आओ तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी ना तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब को कर लेना। क्यों? और चलो दोस्तों, आज का शाउट आउट अभी तो डॉन की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को डॉक्टर टिक्की और क्या वाला शाउट आउट। और दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को 2.5 किलो डॉक्टर टिक्की वाला शाउट आउट। इसमें कोई शक है तो बोल देना। हे भैया, कोई शक नहीं यार। तो चलो दोस्तों, अभी तो डॉन की तरफ से भी आप सभी को बड़ा वाला और वर्ल्ड का बेस्ट शाउट आउट यार। तो अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी यार। तो अलविदा दबाओ।